अस्सलामुअलैकुम की हाल मेरे सारे भैन भरावां दा अल्लाह दा शुक्र मैं भी ठीक हाँ उम्मीद करने तुसी भी ठीक होगे मेरे भैन भरा जिथे कि मैंने वेखन दे देश परदेश अल्लाह ताला तुहानूं तंदुरुस्ती ता फरमाए कामयाबियां ता फरमाए लंबी जिंदगी ता फरमाए इसे नेक दुआ दे नाल अज दी वीडियो शुरू करने कामयाबियां ता फरमाए लंबी जिंदगी ता फरमाए इसे नेक दुआ दे नाल अज दी वीडियो शुरू करने वीडियो शुरू करन तो पहले मैं तुहाडे नाल गुजारिश मेरे चैनल नूं करो सबसक्राइब मेरी वीडियो करो लाइक भैन भरा ना करो शेयर नाल जिहड़ा घंटे दा बटन है उहनूं भी दबा तक मेरी नवीं वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके तो भी मतलब एक प्यारा जो कमेंट भी करना था जो कमेंट है ना सा हौसला अफजाई का बायस बनता है तो अज है कि 14 अगस्त तुम बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह तो पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है तो अल्लाह करे आजाद ही रहे जिस तरह पाकिस्तान के हूँ दिया है कि जो कुछ होंगे पाकिस्तान तुम्हें पता है कि कर्जे डबोरता है हुकूमत रही नहीं गां आपस लड़न दें पाकिस्तान जो बनाया से ना जो बनाया से उन्होंने जो ख्वाब देखा से वह ख्वाब जो है ना तकमील तक पहुँचा जोड़ा है ना जो अगे हूँ वजीर ने उन्होंने काम है लेकिन आपस लड़न दें कैद मैंने इस वास्ते पाकिस्तान ने सी बनाया कि पाकिस्तान जोड़ा है कोई जंगल का कानून हो किसी ने पूछे ना माड़े गरीबों की कोई जी वैल्यू ना हो माड़े गरीब जो है वो जिते है उत्थे रहन जो तगड़े तगड़े होंगे जा माड़े गरीब की कोई नहीं सुनता जोड़े है माड़े गरीब वो बेचारे जोड़े रोलते पे ने भुखे मरते पे ने उन्हों का कोई नहीं जिन्हों के कारोबार से वो तो चलो ठीक है जिन्हों के कारोबार नहीं है वह बिल्कुल जोड़े है ना बिल्कुल जोड़े इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं तो जो इस तरह वेखी देना तो बहुत ज़्यादा जो दिल दुखता वैसे सानू खुशी होंगी कि असी पाकिस्तान से असी मुसलमान वा असी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असी उम्मत वा उदो बहुत ज़्यादा सानू खुशी महसूस होंगी है जो असी इस तरह पाकिस्तान के हालात वेख रहे तो बहुत ज़्यादा दुख होंगे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि पाकिस्तान का की बनेगा यो असी सोचने तो यह जो गुब्बारे ना पिछली दफ़ा मैं लिया पिछली दफ़ा के गुब्बारे पे ने जो गुब्बारे मैं बच्चे ने फैला दिए सुबह के बच्चे ने फैलाए थे लेकिन उस तो बाद ना जी काफ़ी धुप चढ़ गई सी तो फिर जी मैं वीडियो नहीं बनाई तो हूँ ना थोड़ा मौसम जरा थोड़ा चेंज हो गया थोड़ी हवा भी चलती पी है और ठंडा मौसम हो गया तो मैं थोड़ी जी वीडियो शेयर करता कल मैं वीडियो नहीं शेयर कर सकी कल मैं कितने चल गई अपने नंद को चल गई सो सारा दिन उतें लग गया तो शाम को असी घर आए शाम जो असं आए काफ़ी नेरा हो गया इस वास्ते जी असी वीडियो नहीं बना सके परसों एक मेरी हमसाई हैगी तबीयत नहीं ठीक वो पेट में है सिर सोलियाँ तो उन्होंने मैं होस्पिटल लैके चल गई सर तो होस्पिटल जरा टैसट वगैरह होना से ओपरेशन होना तो उन्होंने पहले क्या टैसट होने टैसट हो के उस तो बाद ऑपरेशन होएगा तो वो जी शुगर है वह कंट्रोल नहीं होती पिछली दफ़ा एक काफ़ी दफ़ा मैं काफ़ी देर हो गई साल हो गया उदो भी लैके उदो कंट्रोल शुगर कंट्रोल नहीं होती उन्होंने एक शुगर कंट्रोल है कि तेरा ऑपरेशन करके असं जीडिया सोलियां करना लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हुई तो हूँ वो कह दी तबीयत हूँ फिर बहुत ज़्यादा खराब से कह दी कि मेरी जी शुगर है कंट्रोल है तो होस्पिटल जाके चैक करवाने टैसट करवाने टैसटों के मुताबिक फिर जो है उन्होंने इलाज करना वह ऑपरेशन मेरे कह करना तो कहते कि जी शुगर हैगी मेरी वो कंट्रोल है तो फिर भी जी है डॉक्टर उन्हें कहा कि तू सुबह नाश्ते तो बगैर चैक करनी तो दोपहर नाश्ता करके उस तो बाद फिर अगले दिन सुबह नाश्ते तो बगैर तो रात को जरा दो टाइम शुगर चैक करके तो वह रिकॉर्ड लैके आना तो उस तो बाद टैसटा की रिपोर्ट भी आएगी चैक करके फिर तेने मैं इस हफ्ते तेरे मेरा जो है ऑपरेशन का तेन मैं टाइम दे देंगे तो तेरा जो है ऑपरेशन हो जाएगा तो तुम भी दुआ करनी कि अल्लाह तला बेवा औरत मतलब के बच्चे ने छोटे छोटे अल्लाह तला जो है वह साथ दे तो मुश्किल हल करे मुश्किल आसान करे जरा ऑपरेट हो जाए वो जी शुगर कंट्रोल च आ जाए अगर वो शुगर ना कंट्रोल च आई तो वह जो मोस बहुत ज़्यादा मसला बने वह ऑपरेशन ही होना बेचारी जी है बिल्कुल बिल्कुल काला रंग हो गया तो बिल्कुल खून की कमी है तो मसल कि वह बेचारी जी है ना तुरना भी आवाज़ आ रही है कि टुरिया भी नहीं जाता कि एड्डी को लागर हो गई है यह जो 14 अगस्त का सूट मैं पिछली दफ़ा सिलाई किया पिछली दफ़ा मैं एमरजेंसी किया सूट मैं सस्ता जहा लैके आई रेहड़ी दे तो सस्ता जहा मैं चलो जो है शौक ही पूरा हो जाएगा तो इन पा भी लाँगी तो लेकिन जरा ना यह जरा सही जरा मैं सूट मिल गया कि यदा कलर भी नहीं खराब होया वैसे मैं पिछली दफ़ा काफ़ी पाया इस दफ़ा काफ़ी दफ़ा मैं पाया फिर मैं जो जून के पाया जुलाई से नहीं पाया ना फिर मैं 14 अगस्त में पाऊंगी उस तो बाद मैं सूट नहीं पाया रख चलिया आज 14 अगस्त आज जरा सूट जो मैं पाया तो यह मैं एमरजेंसी पिछली दफ़ा सिलाई किया बहुत ज़्यादा टाइम लगे बहुत ज़्यादा मेहनत जी इन्हों लगी सी मेहनत करके मैं बहुत ज़्यादा सिलाई किया तुम बाहर चलने बाहर चल के अपना जो सूट वो डिजाइनिंग भी विखाने तो तुम्हें जो है मैं दसना है कि यह जो सूट जो है मैं डिजाइनिंग की है यह किस तरह की है तो मैं तुम्हें प्यारा जहा कमेंट भी करना तो
ਚੱਲਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਇਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।